बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिम वाला आलिही व असहाबिही व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। आई होप यू आर ऑल फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 4। इन आवर फर्स्ट लेसन वी विल स्टडी अबाउट वर्क, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स एंड वर्क डन बाय अ कॉन्स्टेंट फोर्स। What is work? Work done on a body by a constant force is defined as the magnitude of displacement and component of force in direction of displacement. ये उसकी उसका उन्होंने डेफिनेशन दी हुई है। उसकी एक जो सेकेंड डेफिनेशन है, वर्क कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों इसकी डेफिनेशन हैं। उन्होंने हमें कहा है कि हम लोग फोर्स को कैसे डिफाइन करते हैं, जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट की और फोर्स की मैग्नीट्यूड का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वर्क। डॉट प्रोडक्ट का आपको कैसे पता चला? आपको पता है कॉस थीटा किसमें यूज़ किया जाता है? डॉट प्रोडक्ट में। किसमें यूज़ करते हैं? डॉट में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एफ डी कॉस ऑफ थीटा। अब देखो वो इस डेफिनेशन के मुताबिक वो क्या कह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, एक बॉडी के ऊपर क्या लगाई जा रही है? फोर्स इन दिस डायरेक्शन। क्या लगा रहे हैं हम? फोर्स। इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में कवर कर रही है। ठीक है, वर्क की डेफिनेशन ही ये है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर हम लोग फोर्स लगाएं, बॉडी पे फोर्स लगाएं, तो वो बॉडी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तब कोई वर्क होगा। लेट सपोज अगर हम लोग कोई हैवी चीज़ उठा के खड़े हैं, एक पानी वाली बाल्टी उठा के खड़े हैं, तो अगर हम सिर्फ उसको उठा के खड़े हैं तो हम कोई वर्क नहीं कर रहे, क्योंकि हम सिर्फ उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा। हम लोग उधर के उधर ही खड़े हैं, बाल्टी उधर की उधर ही खड़ी है, ठीक है, वहाँ भी पकड़ के हम लोग खड़े हैं, कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा, तो वर्क डन भी क्या होगा? ज़ीरो होगा। ठीक है, अब इसका यूनिट देखिए, हमें पता है कि हमारे पास इसमें फोर्स आ रही है। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो हमारे पास वर्क का यूनिट क्या आ गया? न्यूटन मीटर। अब देखें इसकी डायमेंशन, अगर हम लोग देखें डायमेंशन, मैंने आपको बताया था, देखो डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने यूनिट लिखना होता है। यूनिट में क्या चीज़ें आ रही हैं? एफ और डी। ठीक है जी, अब एफ हमारे पास किसके इक्वल होता है? एम ए के। और डी हमारे पास वैसे भी क्या है? डिस्टेंस है। अब इसको ऐसे ही लिखते हैं। अब एम क्या है? मैस। एम किसको शो करता है? मैस को, कैपिटल लिख दिया। अब एक्सेलरेशन में हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं? एक आता है मीटर, ठीक है, लिख लेते हैं, आपको बता देती हूँ, मीटर पर सेकंड, यही एक्सेलरेशन का यूनिट आता है ना हमारे पास, साथ में डी ऐसे का ऐसे ही हमने लिख दिया। अब देखें ये मैस का एम आ गया, मीटर किसके लेंथ होती है? लेंथ लिख दिया। एस किसको शो करता है? टाइम को, टाइम आ गया। साथ में डी किसको शो करता है? अगेन लेंथ को। ठीक है, डिस्टेंस किसको शो करता है? लेंथ को। तो हमारे पास जो वर्क की डायमेंशन बनती है वो बनती है एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया? डायमेंशन आ गई है जी वर्क की। जी तो बेटा, अब जो देखते हैं स्पेशल केसेस ऑफ वर्क, यानी जब हम लोग कॉस थीटा यूज़ कर रहे हैं, हम लोग डिफरेंट कंडीशंस देखते हैं कि हमारे पास अगर थीटा ज़ीरो आ रहा है तब वर्क डन क्या आएगा, थीटा 90 आएगा तो तब वर्क डन हमारे पास क्या हो रहा होगा। ये चार स्पेशल केसेस उन्होंने बताए हुए हैं हमें, तो वो हम देखते हैं। आपको पता है ना कॉस ज़ीरो क्या होता है? वन। तो अगर हमारे पास कॉस ज़ीरो होगा तो तब हमारे पास क्या आएगा? वर्क डन मैक्सिमम आएगा। कॉस ज़ीरो कब आएगा? फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो, यानी जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ज़ीरो एंगल होगा, तब हमारे पास वर्क डन मैक्सिमम आएगा। ठीक है बेटा, देखो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ भी करके दिखाती हूँ। हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था ना कि हमारे पास एक वैक्टर ए है, हम लोग सपोज करते हैं वैक्टर ए कंसिडर कर लेते हैं किसको, डी को। फिर हमने कहा था हमारे पास क्या होता है, एक वेक्टर बी, वेक्टर बी हम लोग किसको ले लेते हैं? फोर्स को, क्योंकि हम लोग अभी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को स्टडी कर रहे हैं ना, तो हम लोगों ने ये वेक्टर ए ले लिया, ये वेक्टर बी ले लिया। फिर हमने क्या किया था, वेक्टर बी को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया था, याद है आपको डॉट प्रोडक्ट में चैप्टर नंबर 2 में।
हमारा जो था सेकंड वेक्टर था उसको उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया था, जब मैंने आपको बताया था कि हम लोग कॉस थीटा ही क्यों लेते हैं डॉट प्रोडक्ट में, हम लोग साइन थीटा क्यों नहीं ले सकते। तो हमने क्या किया था, सपोज करें हमारे पास क्या आती है, ये हमारे पास फोर्स थी, हमने इसको इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, वाई कंपोनेंट आया था, ठीक है, एफ वाई जिसको हमने कहा था। और ये हमारे पास क्या आया था, ये आ गया था एफ एक्स, ऐसे ही था ना, एफ एक्स आया था हमारे पास। तो हमने कहा था कि हम लोग सेकंड वेक्टर का वो कंपोनेंट लेते हैं जो फर्स्ट वेक्टर के ऊपर फॉल हो रहा होता है। तो फर्स्ट वेक्टर के ऊपर कौन सा वेक्टर इसका कंपोनेंट फॉल हो रहा है, एफ एक्स वाला। इस वजह से हमने क्या लिया था, हमने कर दिया था एफ एक्स डी, फिर आ गया था हमारे पास एफ कॉस थीटा डी, क्योंकि हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कॉस थीटा यूज़ करते हैं डॉट प्रोडक्ट में। तो ये सारा प्रोसेस हमने क्यों किया है, क्योंकि इस केस में जब ये पहले थे ये हमारे पास एफ था और ये डी था, तो दोनों में एंगल कौन सा बन रहा था, 90 का। तो आप कॉस 90 अगर ले के देखें तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, ज़ीरो। तो इसका मतलब है जब एफ और डी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, 90 का एंगल आएगा, तब वर्क डन हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि कॉस 90 जीरो हो जाता है। तो ये सारा प्रोसेस हमने क्यों किया, इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व क्यों किया, कि हमारे पास एक जीरो का एंगल आ जाए। अब देखें एफ एक्स के दरमियान में और डी के दरमियान में जीरो ही एंगल बन रहा है ना, दोनों क्या हैं, पैरेलल। तो जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनके दरमियान में एंगल कौन सा होता है, जीरो। ये तो आ गई मैक्सिमम और जीरो की बात। अब हम लोग आते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क डन की तरफ। अगर हमारा एंगल जो है वो 90 से कम है, ठीक है, सपोज करें 30 है, 60 है, 0 है, तब हमारे पास वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। अगर हमारे पास एंगल जो है वो 90 से ग्रेटर आ जाता है, ठीक है, जैसे 180 आ गया, तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। वैसे भी आपको पता है कि कॉस 180 क्या होता है, -1। तो इससे प्रूव हो गया कि हमारे पास जो वर्क डन होगा, अगर हमारा एंगल जो है वो 90 से ग्रेटर है, तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। ये भी उन्होंने एग्जांपल्स में आपको बताया हुआ है कि ये हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन है, ठीक है, और यही इसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, पैरेलल, तब हमारे पास वर्क डन होगा, ठीक है, कॉस जीरो आ जाएगा तो वर्क डन होगा। बट अगर ये देखो ये बैग उठा के खड़ी है, ठीक है, और मूव बैग के ऊपर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, और ये जो मूव कर रही है ये किस डायरेक्शन में कर रही है, इस डायरेक्शन में, तो इनके दरमियान में एंगल इस केस में क्या आ गया, 90 का, कॉस 90 जीरो, तो वर्क डन नहीं होगा, वर्क डन हमारे पास जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये इस टोकरी के ऊपर फोर्स लगाई जा रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये टोकरी मूव भी किस डायरेक्शन में करेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी इसको ऊपर की तरफ वो उठा लेगी ना। तो इन दोनों के दरमियान में ये एफ और डी के दरमियान में एंगल कौन सा बन गया है, जीरो का, तो कॉस जीरो क्या हो जाएगा, 1। तो हमारे पास वर्क डन मैक्सिमम, आपने याद रखना है कॉस जीरो के केस में वर्क डन मैक्सिमम, कॉस 90 के केस में वर्क डन जीरो। अब इस केस में भी इसने जब ये टोकरी उठा ली है, अब ठीक है, इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन, इसने अभी अपवर्ड डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लग रही है इस टोकरी के ऊपर, बट ये लड़की है किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब इस केस में दोबारा इनके दरमियान में एंगल क्या बन गया, 90 का, और कॉस 90 क्या आ जाएगा हमारे पास, जीरो। जी तो बेटा हमारी बुक में जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क। ये आपकी बुक में डायग्राम बनी हुई है, जिस तरह वहाँ पे नाम दिए हुए हैं हम लोग यहाँ पे भी नाम दे लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को उन्होंने नाम दिया है पी का, दिस वन इज क्यू, दिस वन इज ओ एंड दैट इज आर, ठीक है, इसी तरह से नाम दिए हुए हैं। अब ये देखो आप लोग, अगर हम लोग देखें उन्होंने वर्टिकल डायरेक्शन में क्या ली हुई है फोर्स, और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या लिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट लिया हुआ है। तो अब देखो हमें वो कह रहे हैं ये प्रूव करें कि ये जितना भी एरिया है ये सारे का सारा, ये जो पिंक वाला एरिया है ये किसके इक्वल है, वर्क डन के, किसके इक्वल आ रहा है, वर्क डन के। अब हम इसको देख लेते हैं, हमारे पास दो चीज़ें आ रही हैं, एक हमारे पास आ रही है वर्टिकल डायरेक्शन में लाइन ओ पी, ठीक है, किससे शो किया उसको,
ओ पी से, और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, उसको किससे शो किया, ओ आर से। ओ बी की जगह पे हमने क्या लिख दिया, एफ। ओ आर की जगह पे क्या लिख दिया, डी। और हमें पता है एफ डी किसके इक्वल होता है, वर्क के। तो हमने कह दिया कि ये जो सारा एरिया है ये किसके इक्वल है, वर्क के। एरिया अंडर द ग्राफ किसके इक्वल आ गया जी, वर्क के। जी तो बेटा अब बुक में ना दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में वो हमें कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, हाउ दो एक फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें कह रहे हैं हाउ मच वर्क इज बीइंग डन बाय एन अपवर्ड फोर्स। यानी फर्स्ट क्वेश्चन में आपने फर्स्ट पिक्चर की तरफ देखना है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास ये एक पॉल है, ये एक बाल्टी है, इसके ऊपर हम लोग इसको उठा रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। जब हमने अपवर्ड डायरेक्शन में इसको उठा लिया इस तरह से, तो इसको पकड़ के हम किस डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया है, इस डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया है। अब फोर्स किधर है, अपवर्ड है, और डिस्प्लेसमेंट किस साइड पे कवर हो रहा है, यानी बॉडी मूव किस साइड पे कर रही है, फॉरवर्ड साइड पे। तो इनके दरमियान में एंगल कौन सा बन गया, 90 का। तो हमें पता है कि हमारे पास एफ डी कॉस 90 किसके इक्वल आ जाता है, कॉस 90 किसके इक्वल होता है, जीरो। तो वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो। ठीक है, हमारा वर्क डन किसके इक्वल हो गया, जीरो के, क्योंकि कॉस 90 इज इक्वल टू जीरो, देन होल टर्म विल बी इक्वल टू जीरो। अब सेकंड क्वेश्चन पे आए, हाउ मच वर्क इज बीइंग डन ऑन द वॉल इन फिगर टू। ये हमारे पास जो फिगर टू आ रही है, इस केस में भी हमने क्या बताना है, वर्क। इसमें देखिए हमारे पास क्या आएगा, एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो ये वॉल के ऊपर फोर्स तो लगा रहा है, ठीक है, बट वॉल मूव नहीं कर रही। ठीक है, वॉल मूव नहीं करी, वॉल जो है वो अपनी जगह पे स्टिल रहेगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के, देन होल टर्म विल बी इक्वल टू जीरो, देन इन बोथ केसेस वर्क विल बी इक्वल टू जीरो। अब देखते हैं वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। पहले हमने किया था वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, यानी सपोज करें ये पॉइंट ए था, ठीक है, ये पॉइंट बी था, हमने ए से बी की तरफ किसी चीज़ को उठा के लेके जाना था, एक बॉक्स को उठा के लेके जाना था। तो इस बॉक्स के ऊपर जितनी फोर्स हमने यहाँ से लगानी स्टार्ट की थी, यहाँ तक लेके जाने में हमने उतनी ही फोर्स रखी, फोर्स दरमियान में हमने कम या ज़्यादा नहीं की। अब वो कह रहे हैं अब जो है कंडीशन अगर हम चेंज कर दें, फोर्स को वेरिएबल बना दें, यानी फोर्स को हम लोग थोड़े थोड़े पॉइंट के बाद क्या करते रहें, चेंज करते रहें। सपोज करें यहाँ से यहाँ तक आने में हमने कितनी फोर्स लगाई, 5 न्यूटन। फिर यहाँ से यहाँ तक आने में हमने कितनी फोर्स लगाई, 10 न्यूटन। तो हम लोग फोर्स को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, फोर्स वेरी हो रही है। तो वो यही कह रहे हैं, इन मैनी केसेस फोर्स इज नॉट कॉन्स्टेंट, इट मे वेरीज इन डायरेक्शन और इन मैग्नीट्यूड और इन बोथ। वो कहते हैं हो सकता है कि यहाँ पे हम लोग फोर्स लगा के इस रॉकेट की डायरेक्शन क्या करवा दें, चेंज करवा दें, तब भी क्या हो रही है, फोर्स वेरिएबल हो रही है, यानी उसकी डायरेक्शन क्या हो गई है, चेंज, फोर्स वेरी कर रही है। दूसरी चीज़ उन्होंने बताई, एग्जाम्पल दी है हमें किसकी, स्प्रिंग की। अगर हम लोग स्प्रिंग को आहिस्ता से खींचते हैं, तो जब हम उसको छोड़ते हैं, हमें वो इतनी ज़ोर से नहीं लगता हमारे हाथ हाथ पे, लेकिन जब हम उसे बहुत ज़ोर से खींच रहे होते हैं और फिर एकदम से उसे छोड़ते हैं, तब आपने देखा होगा कि आपके हाथ पे वो बहुत ज़ोर से लगता है, यानी उसकी फोर्स बहुत ज़्यादा होती है। तो जितना हम उसको स्ट्रेच करेंगे, यानी जितना खींचेंगे, उसके अंदर उतनी ही फोर्स क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी, जितनी हम उसको दे रहे हैं। ज़्यादा फोर्स से खींच रहे हैं तो उसके अंदर ज़्यादा फोर्स जो है वो स्टोर हो जाएगी, वो हमारे हाथ बाद में उतने ही ज़ोर से लगेगा। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि कुछ कंडीशंस हमारे पास ऐसी होती हैं कि फोर्स जो है वो कांस्टेंट। एक एग्जांपल मैं आपको और बताती हूँ, सपोज करें ये हमारे पास क्या है, स्टेयर्स हैं। हमने एक बॉक्स को उठा के इस स्टेयर से इस स्टेयर पे लेके जाना है। सपोज करें जब हम लोग फर्स्ट टू स्टेयर तक चढ़ते हैं, तब हमारी हम कितनी फोर्स से उस बॉक्स को उठा रहे हैं, 10 न्यूटन से। ठीक है, फिर जब हम लोगों ने ये वाली स्टेयर पे आना है, तो हमने क्या किया, हमने फोर्स कम कर दी, हमने कितनी फोर्स से उस बॉक्स को उठाया, धकेला उसको, 6 न्यूटन। फिर हम लोगों ने जब ये वाली स्टेयर से यहाँ तक आना है, तो फिर हमने कितनी फोर्स लगाई है, 12 न्यूटन। यानी फोर्स हर कुछ पॉइंट्स के बाद क्या हो रही है, वेरी हो रही है। उस केस में हम लोग वर्क को कैसे कैलकुलेट करेंगे, पीछे तो कांस्टेंट फोर्स थी, फोर्स शुरू से लेके एंड तक सेम थी, तो हमने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया।
अब हम वर्क को कैसे कैलकुलेट करेंगे तो देखते हैं। देखो बेटा, ये उन्होंने आपकी बुक की पिक्चर मैंने ली है, ये एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ये ए है और ये क्या है, बी है। अब वो कहते हैं एक बॉडी को हमने मूव करवा के पॉइंट ए से कहाँ पे लेके जाना है, पॉइंट बी की तरफ। तो अब इस केस में फोर्स बार बार चेंज हो रही है, अगर तो फोर्स कॉन्स्टेंट रहती तो हमारे पास इस डायरेक्शन में इस तरह की लाइन आती, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स बार बार चेंज हो रही है। सपोज करें यहाँ से लेके यहाँ तक फोर्स जो थी वो ज़्यादा थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता फोर्स क्या होना शुरू हुई, कम होना शुरू हुई, इतने पॉइंट तक वो कांस्टेंट रही, फिर वो क्या ना हो, क्या होना शुरू हो गई, ज़्यादा होना स्टार्ट हो गई। तो ये ग्राफ इस चीज़ को शो कर रहा है, यानी ये हमारे पास, अब जब हमारे पास ये कर्व्ड पाथ आ गया ना, तो आप लोगों ने याद रखना है जब हमारे पास कोई भी कर्व्ड पाथ आता है तो वहाँ पे हम लोगों ने कोई वेक्टर क्वांटिटी कैलकुलेट करनी हो, हम क्या करते हैं, उस पाथ को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर लेते हैं। ये स्मॉल पैचेस में क्या कर लिया हमने, इसको डिवाइड कर लिया। अब इतने पैच के ऊपर यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो कितनी है हमारे पास, F1, ठीक है, वो हमारे पास आ जाएगी F1, और डिस्टेंस भी क्या आ जाएगा, del D1, ठीक है। फिर अगला पैच है ये, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी F2 और हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा del D2। इस तरह नंबर ऑफ डिस्टेंसेस तक हम लोग क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट पैच का वर्क डन आया वो क्या आया, F1 dot del D1, del किसको शो करता है, चेंज को। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, F1 cos theta 1 del D1। इस तरह पैच 2 की वैल्यू ये आ जाएगी। तो नंबर ऑफ पैचेस तक जब हम लोग चलते जाएं तो ये हमारे पास आ जाएगा वर्क डन। तो इस पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक अगर हमें टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, del W1 plus del W2 plus नंबर ऑफ वर्क्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो del W1 की वैल्यू हमारे पास ये आई थी, W2 की वैल्यू ये आई थी, WN की वैल्यू ये आई थी। तो इन सब को हम लोग इकट्ठा करके लिख लेते हैं समीशन। ये किसका साइन है, समीशन का। समीशन किसको शो करता है, सम को। यानी अब वो कह रहे हैं I = 1, यानी हमने 1 से स्टार्ट किया, ठीक है, 1 से हम लोगों ने वर्क कैलकुलेट करना स्टार्ट किया और हम लोग किधर तक चलते गए, n नंबर्स तक, ठीक है। I = 1 से लेके हम लोग किधर चलते गए, n नंबर्स तक चलते गए। इन सब को हमने किसके इक्वल पुट कर दिया, आई के, यानी नंबर्स ऑफ वर्क डन को हमने किसके इक्वल पुट कर दिया, आई के। तो हमने क्या कर दिया, FI cos theta I del D I, ये इसकी फाइनल इक्वेशन आ गई है। इसी तरह अगर हमने इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है ना, तो इसकी इस पूरी लाइन को उठा के हम किधर ले आए हैं, इधर हमने ड्रॉ किया है। अब उन्होंने हमें क्या कहा है, आपकी बुक में लिखा हुआ है हाउ टू कैलकुलेट वर्क ग्राफिकली। उसका आंसर देखें, टू कैलकुलेट द वर्क डन अलोंग प्लॉट। वर्क डन वो क्या, उन्होंने क्या कहा, एक ग्राफ हमने प्लॉट किया है, ठीक है, किसका, F cos theta का और D का। अब वो कहते हैं इस ग्राफ का जितना भी एरिया आएगा ना, वो हमारे पास क्या होगा, वर्क डन। जैसे पीछे हमने कॉन्स्टेंट फोर्स में किया है ना, वैसे ही हम लोग यहाँ पर करेंगे। अब उन्होंने क्या किया, एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल, अब उन्होंने क्या किया, हमने इसको रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर लिया। ये फर्स्ट रेक्टेंगल आ गई, ये सेकंड रेक्टेंगल आ गई, ये थर्ड रेक्टेंगल आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, डेल, ये फर्स्ट रेक्टेंगल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसको किससे शो किया, del D1 से, इसको किससे शो किया, del D2 से, इसको किससे शो किया, नंबर ऑफ जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट्स आ रहे हैं उनको del DI से, ठीक है जी। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास जितना भी इस ग्राफ के अंडर जो एरिया आ रहा है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, वर्क डन के। अब उन्होंने कहा है जब हम लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है, अब उन्होंने कहा है ये जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ रहा है ना, ये अंदर, ये इसको हम लोग मज़ीद छोटे छोटे पैचेज में डिवाइड कर देंगे। इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ जाएगा कि हम कह देंगे कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो किसको अप्रोच कर रहा है, ज़ीरो को। ये आपकी इक्वेशन लिखी होगी, लिमिट डेल डी अप्रोचेस टू ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट को हमने इतने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि वो किसको अप्रोच कर रहा है, ज़ीरो को। तो हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो आगे नेक्स्ट फर्दर आपने वही इक्वेशन लिख देनी है, समीशन FI cos theta I del D I। तो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन भी होगी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे पीछे हमने कॉन्स्टेंट फोर्स की है।
इसको अच्छी तरह से देखें। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।